हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इस बार 2023 में पूछने की 100% संभावना है। और इस और जितने भी वीडियो आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे टेंथ बोर्ड मैथ की, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 21 तारीख को होने वाला है, 21 फरवरी को, है ना। और इस हमारी जो वीडियो हैं सारी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। और हम वादा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग अगर पूरी 24 या 25 वीडियो हैं अगर देखते हैं तो 90+ अंक प्राप्त कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो 2 और 3 दिन बचे हैं इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें 25 नंबर कंफर्म आता है तो उसमें से हम लोग कवर कर सकते हैं 20 मार्क्स 100% कवर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट तक वीडियो को हमारे जरूर देखिएगा और जितने भी क्वेरीज होंगी, ठीक है, उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समझेंगे तभी आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, दो संख्या दे रखा है ए और बी, ए बराबर दे रखा है आपका, इसका हमको निकालना है एलसीएम, एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 2। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, जो कि ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं लेकिन इनको जब तक सॉल्व करेंगे नहीं तब तक ये हमारा हल होगा नहीं। तो सबसे पहले इनका सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ए बराबर इतना आ गया और बी बराबर हमारा है एक्स की पावर 3 और वाई की पावर कितना है, ये भी 3 है, ठीक है, के रूप में लिखी जाती हैं। तो एक्स और वाई का अभाज्य है, मतलब ये दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या पता है ना, ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब कि ए और बी का हम लोगों को निकालना है एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एच सी एफ क्या होता है, निम्नतम या फिर अधिकतम संख्या, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संख्या, अधिकतम मान। लेकिन अधिकतम मान ना निकाल कर इनका हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं, जो दोनों में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। देखो यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, तो इसमें x की घात 3 मिल सकता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात कितना, 3, क्योंकि इस 5 में इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 गुणे x की पावर 2, तो 3 2 कितना होता है, 5। आधार जब समान होता है तो घातें क्या होती, जुड़ जाती है ना, तो यहाँ पर आधार क्या है, समान है दोनों, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में हमारा x की पावर 3 कॉमन था ना, कॉमन लिख लिया। अब देखो वाई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर वाई कितना है, 3 है, तो इस यहाँ पर 3y है, मतलब 2y पहले से है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर 2, और ये हमारा a और b का क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम आप लोगों को 10-15 आज करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरी संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, पी अपान क्यू के रूप में लिखा होता है। और यहाँ पर जैसे √3, √2 और पाई, ये सभी क्या है हमारी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 22/7 कामा दूसरा है पाई और तीसरा है 0.69 और जो तीसरा ऑप्शन में है वो है 5/√16। तो देखो यहाँ पर हमारी 22/7 ये क्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि पी अपान क्यू के रूप में लिखा है। और यहाँ पे जो √16 है ये हमारा किसका है, √16 4 का, तो ये 5/4 कितना हो जाएगा 4, ये भी पी अपान क्यू के रूप में हो गया। और ये क्या है, शांत है, ये हमारा क्या है,
शांत, शांत क्या होता है, दशमलव के तीन अंकों तक अगर कट जाए तो वो शांत कहलाता है। तो ये क्या है, शांत बैठा हुआ है ना। अब ये जो पाई है, ये हमारा जो पाई है, ये क्या हो जाएगा, अपर में संख्या, क्या हो जाएगा, अपर में संख्या। तो दूसरा भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार वीडियो पर बने रहें और काफ़ी सारी आज हम क्वेश्चन करवाएंगे, उसको ध्यान से समझते रहें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का एस सी एफ एक है, एस सी एफ कितना है, एक, दो संख्या है, दोनों का एस सी एफ दे रखा है जो कि कितना है, एक है, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। तो दो संख्या का अगर एस सी एफ कितना होता है, एक होता है, तो वो जो संख्या होती है हमारी कहलाती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि एस सी एफ कितना मिल रहा हो, एक, जैसे 5 और 7 ये दो संख्या हैं, इसका एस सी एफ निकालेंगे तो एक आएगा, क्योंकि दोनों का गुणनखंड अलग है, ठीक है। और इसी में एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 और 25 का, 18 और किसका हो जाएगा 25 का, ये भी हमारे क्या हो जाएगा, से अभाज्य संख्या, क्योंकि 18 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 ने 18, फिर 3 से 3 तरह 9, फिर यहाँ से 3 एकम 3, और यहाँ पर अगर हम 25 का करते हैं गुणनखंड तो यहाँ से हो जाएगा 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे जो कामन है वो हमारा क्या, एक है ना, कामन क्या है, एक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या, जिसमें एस सी एफ क्या हो, एक हो। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो पर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे नंबर दिलवाना है इस बार यूपी बोर्ड में, आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे भी, क्योंकि कल हम जो है प्रेयर करके आए हैं भगवान से कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से अच्छे मार्क आप लोग भगवान या फिर कोई गॉड या फिर अल्लाह दिलवाएं, है ना आप लोगों को। तो यहाँ से जो तीसरा कंप्लीट हो गया ना, चौथा क्वेश्चन है आपका, दो संख्या है 99 और 153, ठीक है, इनका जो एस सी एफ है, इन दोनों संख्या का एस सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 9 है, तो कितना है, 9 है, तो इनका लासा क्या होगा, इनका लासा क्या होगा, चौथा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर जब एस सी एफ दे रखा होता है, यहाँ पर अगर एस सी एफ दे रखा होता है तो इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एल सी एम मल्टीप्लाई का एस सी एफ होता है, ठीक है। काफ़ी बार और काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन हम समझाते हुए आ रहे हैं, और शायद आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या करना है। अब देखो आई नहीं है भैया, पहली संख्या है ना, पहली संख्या कितना है, 99 है, गुणे दूसरी संख्या 153 है, ठीक है, बराबर एल सी एम निकालना, मतलब लासा निकालना है, लासा हमको निकालना है। यहाँ पे लासा का जो शॉर्टकट फॉर्म है एल सी एम है, ठीक है, तो यहाँ पे एल सी एम को निकालना है। एस सी एफ दे रखा कितना, 9 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तुरंत कर लो, यहाँ पर 99, ठीक है, कितना हो जाएगा, 99, ठीक है, यहाँ पर 99 गलत है, यहाँ पर हम रख सकते हैं 199 है, 99 नहीं है, कितना है, 199 है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद 153 है, फिर ये तुम्हारा गुड़े में इधर आएगा, बटे में 9 हो जाएगा, बराबर कितना होगा एल सी एम, इसको काट दो, 9 एकम 9, यहाँ कितना बचा, 6, 3 डालेंगे 63 हो जाएगा, 9 7 63, अब 199 का गुणा किससे कर दो, 17 से कर दो भैया, कर दो आराम से, तो यहाँ जब करेंगे तो 153 का कितना आ जाएगा, 3 15 बचा ना हमारा, फिर 153 में 153 में 15 अगर जोड़ देते हैं तो 8 हो जाएगा ये, और 6, और ये 168 कितना लिखेंगे, 8, अब हासिल कितना आ गया, 17 एकम 17, ठीक है, 17 नवैया 153 हो गया, ठीक है, और 15 जोड़े तो 17 एकम 17 में हम 16 जोड़ देंगे, 17 में क्या करेंगे, 16 जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और 6 13, 1 हासिल आ गया 3, ठीक है, कितना आ गया हमारा 33 83, कितना आ जाएगा 33 और 83, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर 199 था वो रख दिया पहली संख्या, दूसरी संख्या 153 था वो रख दिया, एलसीएम हमारा
पता नहीं था, ये पता था, SCF है ना, यहाँ पे गुणे में भेज दिया, 9 एकम 9 कितना बचा हमारा 6, 9 से 63, उसके बाद 17 से गुणा कर लिया, 17 9 ये 153, 153 का 3 15 से ला गया ना, ठीक है, 17 9 ये 153, 153 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 3 8 और 5 और 1 6, और ठीक है यहाँ से 8 लिखा, उसके बाद 16 से लाया ना, 17 एकम 17, 17 और 16 कितना हो जाएगा, हाँ 7 6 13 1 से लाएगा 33, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है धांसू वाला, है ना, अगला क्वेश्चन है धांसू वाला, एंटिक, ठीक है, ध्यान समझिएगा भाई ये लोग आप लोग, क्योंकि क्लास टेंथ ही काफ़ी मायने रखता है आगे मेरिट को बनाने में और आगे फ्यूचर को भी बनाने में, है ना, तो फ्यूचर अच्छा होगा, ब्राइट होगा, तभी क्या आएंगे दिखवाएंगे, है ना, तभी क्या आएंगे दिखवाएंगे। देखिए तो यहाँ पर है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएं, सबसे छोटी जो संख्या अभाज्य होती है वो होती है हमारी, ऑप्शन में है 0 1 2 3, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 5वां क्वेश्चन था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है वो हमारी 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। उसके बाद 6ठा जो क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि समय हमारे पास कम है तो क्या करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, है ना, काम ज़्यादा और जल्दी। सेकेंड है साइन ए बराबर, साइन ए इज इक्वल टू है हमारा 3/5, कितना है 3/5, तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन है ना, देखो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया कर्ण और ये हो गया हमारा लंब, तो लंब हमारा कितना है 3 है बटे कर्ण, कर्ण हमारा कितना है 5 है, तो आधार का मान निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए एल, ध्यान समझिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, लंब हमारा कितना है लंब 3 कितना है 3 है ना, और प्लस का 1 का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, 5 का वर्ग हमको पता है 25 होता है, 3 का वर्ग हमको पता है कितना होता है 9 होता है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तुरंत करो 25 से 9 घटा दो, 1 का स्क्वायर घट गया तो हमारा 16, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा रूट का 16, और रूट का 16 होता है 4, मतलब कि आधार आ गया हमारा 4, आधार कितना आ गया 4। अब हमको कॉस्ट ए की वैल्यू निकालना है, तो कॉस्ट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना आप लोग, आधार बटे क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या होता है का है ना, लाल बटे क्या होता है कक्का, और ये होता है हमारा साइन, और ये होता है हमारा कॉस, और ये होता है हमारा टैन, ये 6ठा क्वेश्चन है, ये क्या होता है हमारा टैन होता है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे तो कॉसेग और सेग और कॉट सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आधार की जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आया 4 आया ना, और कर्ण की वैल्यू हमारी 5 थी, तो यहाँ से हमारा जो कॉस ए की वैल्यू आ गया कितना 4/5, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। आगे 4 क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करवाएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल देख का अनुपात दे रखा है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, दूसरा त्रिभुज समरूप एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, इसकी हमने परमेय करवाया है, आप लोग जाके कहाँ पर प्लेलिस्ट में है ना, कहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर ये परमेय देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, तो जो है क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4/9, मतलब कि 4/9, और इसका जो क्षेत्रफल होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के योग नहीं अनुपात के बराबर होता है ना, ए बी का स्क्वायर और पी और क्यू का स्क्वायर, अब यहाँ पे इनका जो क्षेत्रफल है ये आ गया, अब भुजा निकालना है तो ये जो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट का कितना हो जाएगा 4 और 9 बराबर
ए बी बटे का कितना पी और क्यू। अब यहाँ पे चार का रूट होता है दो और नौ का रूट होता है तीन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल दे रखा होता है तो हम भुजा इस प्रकार निकाल लेते हैं, और यदि भुजा दे रखा होता है, यदि क्या दे रखा होता है भुजा, भुजा मान लो कुछ नहीं, हाँ भुजा मान लो, यहाँ पे भुजा है हमारी कितना यही मान लो दो और कितना है तीन है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे वर्ग, चार बटे कितना हो जाएगा नौ, फिर से हमारे किस में चेंज हो जाएगा क्षेत्रफल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।